जब हम 3 तारीख को सीहोर थे, निर्णय आए, सब लोग बड़े प्रसन्न थे, तो कुछ मीडिया के लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, कई लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, कोई कहता है कि वो मुस्लिम थे उनको हिंदू बना दिया, कोई क्रिश्चियन थे उनको हिंदू बना दिया, इन हिंदू को किसी ने क्रिश्चियन बना लिया, कोई मुस्लिम बना लिया। हमने कई बाबाओं का सुना, कई महाराजों का सुना, उन्होंने इतने लोगों को हिंदू बनाया, उन लोगों ने इतने लोगों को हिंदू बनाया, आपने कितनों को बनाया? हमारा निवेदन इस जलगांव की पवित्र भूमि से है, किसी का धर्म बदलाने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा तो एक उद्देश्य है कि हमारे धर्म का व्यक्ति मजबूत हो जाए, बस ये जो है हमारे सनातन धर्म का, वो सनातनी रहे मरते दम तक। पिता ने जो जायदाद दी है वो जायदाद बचा के चल ले, वही छोरा अच्छा है, और जो मालूम पड़े डब्बे में और शेयर मार्केट में लगा दे और बाप की जागीर बिक जाए तो क्या मतलब। इतने लोगों ने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया, इतने लोगों ने इतने लोगों को बदल दिया। हम कहते हैं चोर को कुछ भी बना दो वो चोट्टा की चोट्टा ही रहेगा रे। चोट्टा बदलेगा? स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश, विदेश में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, विदेश में उन्होंने अपनी बातें कही, तो विदेश के कुछ अंग्रेज, विदेश में रहने वाले कुछ लोग बोले, हम आपके उद्बोधन से, आपकी वाणी से बड़े प्रसन्न हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम आपका धर्म अपना लें, हम आपका धर्म अपनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, हम आपके धर्म में आना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं यहाँ विदेश में धर्म बदलाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ विदेश में मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ। सनातन धर्म का प्रचार मूल है, हमारा धर्म का व्यक्ति बचा रहे, तुम जागृत रहो, तुम जो हो वो वही रहो। हम नहीं चाहते कि कोई अपना धर्म छोड़कर इधर धर्म में आए, इधर का धर्म का व्यक्ति उधर धर्म में जाए, ना ना ना, अपने धर्म में रहो और मजबूत रहो, सनातन धर्म में रहो और मजबूत रहो। बाला साहब ठाकरे जी ने करा क्या था महाराष्ट्र के लिए? सबसे मूल करा था बाला साहब ठाकरे ने, अपने सनातन धर्म को मजबूत करा। वीर शिवाजी ने करा क्या? छत्रपति इस शिवाजी ने अपनी माता के कहने पर, आप कहते हो कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जीजाबाई ने अपने पुत्र से कह दिया था, ए शिवा बेट, शंकर के मंदिर में जाया कर, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया कर। शिवाजी का नाम शिवाजी क्यों रखा था? क्योंकि जीजाबाई शिव जी को इतना मानती थी कि अपने पुत्र का नाम शिवा रखा, अपने बेटे का नाम शिवाजी रखा था, क्योंकि शंकर को इतना भजती थी, शंकर का इतना गुणगान करती थी। एक अहिल्याबाई, जीजाबाई, ये शंकर जी से तो लगता था कि ऐसी बात करती थी कि शंकर सामने खड़ा हो, और जीजाबाई और अहिल्याबाई ये सब शंकर से मुख से बात करती थी। लोग कहते हैं ये राजमाता थी, हम कहते हैं ये शंकर जी की भक्त थी, शिव का गुणगान करती थी। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई हो, ये शिव की भक्त। शंकर जी के मंदिर में शिवाजी को माँ भेजती थी, जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ, क्या होगा इससे? मिलेगा सब कुछ। जब युद्ध के लिए आक्रमण करा तो जीजाबाई ने अपना नारा दिया, हर हर महादेव, ललकार दिया, शिव तेरे साथ।
हर हर का मतलब होता है संकट हरने वाला, दुख हरने वाला, कष्ट हरने वाला और तेरा साथ देने वाला, हर हर शिव तेरे साथ में। बढ़ आगे, शंकर का गुणगान कर कर आगे बढ़ते जा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ना है हमें। हमें ये नहीं करना कि हमने कितनों को बदलना, ये दूसरे का काम होगा। हम चाहते जितने सनातनी वो सनातनी रहे, ये बदले ना। अब बदल गए बदलने वाले पर।